हेलो एवरीवन, माय नेम इज गिन्नी। यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीकर एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में हम लोग आपको 2023 किया सेल्टोस जो फेसलिफ्ट है उसके अंदर ऑडियो अपग्रेड दिखाएंगे। ये कार हमारे पास स्पेशली हल्द्वानी से आई हुई है, और सिर्फ यही खास बात नहीं है, दूसरी खास बात ये भी है, जिनकी ये कार है उनकी हम तीसरे साल में लगातार तीसरी कार को मॉडिफाई कर रहे हैं। 2020 में वो फर्स्ट हमारे पास क्रेटा लेकर आए थे, फिर 2021 में वो दूसरी क्रेटा लेकर आए, अभी 2023 में किया सेल्टोस लेकर आए हैं। हम उनके टेस्ट के बारे में जानते हैं, वो हमारे तरीके के बारे में जानते हैं, तो एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। और इस वीडियोस के थ्रू मैं आपका थैंक यू भी करना चाहता हूँ, जो एक रिलेशन हमारा आपके साथ बन जाता है। अभी बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। इसके अंदर हम लोगों ने ब्लॉपंग का सेंटा रोजा 985 लगाया, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, यही चाहिए होता है। अच्छी आउटपुट ये स्टीरियो आपको दे देता है। ब्लॉपंग खुद क्लेम करता है कि ये 15:4 पावर देता है, एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है 15:4, 34,990 की MRP होती है, 50 वॉट पर स्पीकर ये चारों दरवाजों में दे सकता है, तो हम लोग इसका अच्छे स्पीकर लगा सकते हैं। स्पीकर हमने इसके अंदर लगाए हैं JL ऑडियो के C1 सीरीज के, फ्रंट में कॉम्पोनेंट, रियर में कोएक्सियल। क्रिस्प अच्छा चाहिए ये स्पीकर लगा सकते हो, लाउडनेस अच्छी चाहिए ये स्पीकर आप लगा सकते हो, बट अगर बेस अच्छा चाहिए तो आपको अंडर सीट सबवूफर लगाना पड़ेगा, जैसे हमने इस कार के अंदर लगाया। हमने वैक्सट्रॉन का अंडर सीट सबवूफर लगाया हुआ है, सारी फिटमेंट्स सारा कुछ हो चुका है। मेन थिंग कि हमने इसके अंदर जो स्टीरियो लगाया है वो उसको प्रॉपर फ्रेम के साथ लगाया हुआ है। अभी अंदर चलकर मैं आपको उसकी फिटमेंट भी दिखाऊंगा। इसके अंदर ये बेस मॉडल कार थी, इसके अंदर हम लोगों ने डोर्स के ऊपर लेदर अपहोल्स्ट्री की हुई है जो आई ग्रे कलर के अंदर आती है। इसकी प्रॉपर आपको स्टिचिंग भी देखने के लिए मिलती है, ये हिस्सा पहले ब्लैक कलर का आया हुआ था, इसको हम लोगों ने रैप किया हुआ आई ग्रे कलर का। सेम हम लोगों ने रियर डोर के अंदर भी किया हुआ है, ये भी ब्लैक कलर का था पैनल, उसको हम लोगों ने आई ग्रे लेदर रैप किया हुआ है। बहुत अच्छी फिटमेंट आती है और प्लस सॉफ्ट टच होता है, आपको एक एक्स्ट्रा अच्छी फील मिल जाती है। इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार के अंदर अगर मैं आता हूँ, इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार में इसके अंदर हम लोगों ने जो फ्रंट का डैशबोर्ड का पीस था उसको भी हमने सॉफ्ट टच कर विद द प्रॉपर स्टिचिंग हमने लेदर रैप किया हुआ है, तो पूरी कार की एक आई ग्रे थीम बनाई हुई है। सीट कवर्स अभी इसके अंदर नहीं लगाए हैं, वो इन फ्यूचर जाकर लगाएंगे जब कभी भी, तो वो भी आई ग्रे के साथ मैचिंग ही लगाने हैं। स्टीरियो जो हमने ब्लॉपंग का सेंटर रोजा 985 लगाया है, वो उसके लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा फ्रेम लगाया हुआ है, जिसकी फिटमेंट अभी मैं चालू करने के बाद आपको यहाँ पर अंदर दिखाऊंगा। प्लस एक रियर में कैमरा, ये कार इतनी दूर से सिर्फ ऑडियो सिस्टम कराने के लिए आई हुई थी। ये लोग तकरीबन हमारे को इसमें 5 to 6 आवर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर हमने स्पीकर, डैम्पिंग, रियर कैमरा, स्टीरियो प्लस ये लेदराइट का वर्क किया हुआ है। तो भी आपको इसका स्टीरियो चला के दिखाते हैं, सो दैट आपको जजमेंट पता चल सके फिटिंग कैसी आती है या स्टीरियो की इंटरफेस कैसी है। जब अच्छी चीज़ हम लोग कभी आपको एडवाइस करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टीरियो है उसकी मैं आपको फिटमेंट यहाँ पर दिखाऊंगा, जो हमने ब्लॉपंग का सेंटर रोजा 985 लगाया। ये फ्रेम हम लोगों ने इसके अंदर एडिशनल लगाया हुआ है, ये प्रॉपर फ्रेम है जो फिलहाल अभी हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाला फ्रेम अभी मार्केट में अवेलेबल हुआ हुआ है, इसकी प्रॉपर फिटमेंट है। ये वाला हिस्सा जो ऑलरेडी लगकर आया हुआ था, प्लस इस वाले हिस्से को चेंज करके फ्रेम इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की एप्लीकेशन इसके अंदर डायरेक्ट मिलती है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपका एप्पल का फोन है तो आप कारप्ले से चलाओ, एंड्रॉयड का फोन है तो एंड्रॉयड ऑटो से चलाओ। प्ले स्टोर, यूट्यूब भी मिल जाता है, अगर आपको इसके अंदर डायरेक्ट यूट्यूब देखना है तो आप वो भी चला सकते हो। प्लस रियर कैमरे की बात करता हूँ तो हमारे को इसके अंदर रियर कैमरा भी मिल जाता है, फुल HD ब्लॉपंग का ही हमने इसके अंदर रियर कैमरा लगाया हुआ है, जो मूविंग गाइडलाइंस के साथ आता है, तो बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़ी एक अच्छी क्लैरिटी है, आवाज़ भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, और हर एक चीज़ में हम भी सेटिस्फाई हैं, जो कस्टमर आए हुए हैं वो भी सेटिस्फाई हैं। बिकॉज मैंने आपको बोला ना, 3 साल में लगातार तीसरी कार है, तो एक ट्रस्ट बन जाता है कस्टमर के साथ, हमें पता चल जाता है उनको क्या चीज़ चाहिए, उन्हें पता चल जाता है कि हम उनको कैसे क्या चीज़ दे सकते हैं। तो एक कंसेप्ट, ये वीडियो, ये कैसा लगा होगा प्रोडक्ट, ये किया सेल्टोस 2023 नई कार थी इसलिए बनानी थी, आपको दिखाना था कि फिटमेंट स्टीरियो की कैसे होगी, तो बार को कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सपोर्ट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। तो आपने कार का काम देखा, वैसे तो सुबह से हम पंजाबी में बात कर रहे थे, बट रिव्यू हमारे को हिंदी में लेना पड़ेगा तो दैट हर एक बंदा समझ सके। तो भाजी, आप कहाँ से आए हो, कैसा आपका रिव्यू रहा, और ये 2-3 साल में आप हमारे से हर साल मिलते हो, एक छोटा सा एक होता ना जेन्युइन रिव्यू, तो फिर पाजी की बारी भी। भैया, हमारा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे बरेली पड़ता है, लेकिन हम रुद्रपुर बरेली के बीच में हम रहते हैं, हल्द्वानी रुद्रपुर बरेली वही हमारा एरिया है। और मैं यहाँ पर, जैसा भैया ने बताया था कि तीसरी गाड़ी लेके आया हूँ, और अपनी गाड़ी लेके आया, मेरे छोटे भाई ने लिया ये गाड़ी, और क्यों आया हूँ ये तो कहने की ज़रूरत नहीं, तीसरी बार आया हूँ, आदमी दूसरी बार ही नहीं आता है। भैया का काम का सेटिस्फेक्शन उस लेवल का है कि ये खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक दूसरे बंदे को गाड़ी डिलीवर नहीं करते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट तभी होंगे
जब ये संतुष्ट होंगे। इनका मानना यह है कि भैया तब तक गाड़ी डिलीवर ही नहीं करते हैं जब तक ये खुद संतुष्ट ना हो जाए। ये संतुष्ट होते हैं उसके बाद ही बुला के कहते हैं भैया अब आके चेक करो, हर तरीके से ट्यूनिंग करके, मतलब अपने काम में परफेक्ट हैं भैया, जो भी काम करके देंगे परफेक्ट करके देंगे। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई काम होता नहीं है कि जो ये करते नहीं है, ये सब चीज़ें अरेंज करके बढ़िया करके जेन्युइनली बिल्कुल जेन्युइन सप्लाई जो कंपनी की सप्लाई होती है वही फिट करके देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। तुसी की कहना चाहोगे सर? भाई साहब बहुत बढ़िया काम हुआ, मैं तो इसी गाड़ी के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैंने इसका ही काम करवाया, मैंने सारा काम खुद अपने आंखों से ऊपर होते हुए देखा है, हर एक पार्ट मतलब जेन्युइन फिट है। और म्यूजिक सिस्टम सबसे लाजवाब मुझे यहीं पर लगा, मतलब और भी गाड़ियों में मैंने देखा है, जो यहाँ पर जो बात आई है जो ट्यूनिंग हुई, कंपोनेंट तो आप फिट करवा लोगे कहीं से भी या पार्ट्स आप जो भी है अरेंज करके फिट कर लोगे, लेकिन जो ट्यूनिंग है उसकी वो यहाँ बड़ी ज़बरदस्त हुई। फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं हर तरीके के काम से, काफ़ी काम हुआ है, सब एक एक करके बताना लंबा हो जाएगा लेकिन सब परफेक्ट है। थैंक यू। मौका दिता सानू गड्डी काम करन दा, ट्रस्ट बड़ी वड्डी चीज़ है।